हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी जी के ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसमें 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन लिया गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुके हैं, जो आपके आने वाले अग्रगामी एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। इस प्रश्न का आपके सामने चार ऑप्शन है, आगा खान, हामिद खान, हसन खान, एम ए जिन्ना। तो फ्रेंड्स, जिस प्रश्न का आंसर आपको पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा आगा खान। मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इस प्रश्न का आपके सामने चार ऑप्शन है, लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी या राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। इसका चार ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। ऑप्शन है ग्राम सभा या नगर पंचायत या जिला पंचायत या ग्राम पंचायत। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत होगा। तो ग्राम पंचायत जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इस प्रश्न का आप राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, काकेशस, अलास्का। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा एंडीज होगा। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर एंडीज पर्वत श्रृंखला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये कई बार रिपीटेड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप बताएं कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा जायरे नदी। जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को दो बार काटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का आपके सामने चार ऑप्शन है, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा उड़ीसा। हीराकुंड जो बांध है उड़ीसा राज्य में स्थित है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगा खान कप जो है किस खेल से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इस प्रश्न का आपके सामने चार ऑप्शन है, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस या फुटबॉल। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा हॉकी। आगा खान जो कप है हॉकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा कजरी। कजरी जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। इस प्रश्न का आप राइट आंसर बताएं। इसका ऑप्शन है जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ,
जेम्स प्रिंस। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंस। जेम्स प्रिंस जो थे अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आप वीडियो के लास्ट में ये बताएं कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर